लॉकडाउन के समय ई कॉमर्स कंपनियों के व्यवसाय में हुई उल्लेखनीय वृद्धि और लॉकडाउन के बाद भारतीय इकॉनमी के पुशबैक के साथ पैकेजिंग इंडस्ट्री ने अच्छी ग्रोथ रेट प्रदर्शित की है। वर्तमान में पैकेजिंग इंडस्ट्री का व्यवसाय लगभग 17 बिलियन डॉलर है, जो कि 20% प्रतिवर्ष वृद्धि दर के साथ बढ़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ई कॉमर्स कंपनी सरकार के द्वारा बनाए गए प्रावधानों का पालन करने के लिए प्लास्टिक के बैग में पैकिंग करने के साथ कागज के बने हुए गत्तों में भी सामान की पैकिंग करती है, जिससे कि उन्हें इस प्रकार की गत्तों को रिसाइकल करने की आवश्यकता नहीं होती और स्थानीय म्युनिसिपल बोर्ड के द्वारा ही ये काम कर दिया जाता है। आज हम आपको बताएंगे आप भी कैसे गत्ते के बॉक्स बनाने का व्यापार शुरू कर सकते हैं। आइए जानते हैं किन लीगल प्रावधानों को जानना होगा आवश्यक। इस व्यवसाय को स्थापित करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कानूनी प्रावधानों को समझना होगा और अपनी कंपनी स्थापित करते वक्त पहले ही तय करना होगा कि इसे आप प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में से किस रूप में रजिस्टर करेंगे। यदि आप मशीन की सहायता से इस प्रकार के गत्ते बनाने का काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको स्थानीय म्युनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा एवं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना होगा। कैसे चुने फैक्ट्री की लोकेशन। इस व्यवसाय में सफलता पाने के लिए ये एक सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आपको अपनी फैक्ट्री की लोकेशन उसी स्थान पर बनानी है जिस स्थान को आपने अपने टारगेट कस्टमर बेस के रूप में चुना है। इससे पहले आप प्रॉपर रिसर्च कर लें और ऐसे ही स्थान पर फैक्ट्री बनाएं जो रोड कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी सुविधा उपलब्ध हो। साथ ही आपके यहाँ पूरे दिन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना भी आवश्यक है। समय पर इलेक्ट्रिसिटी ना आने की वजह से आपकी मशीनें अपनी क्षमता के अनुसार प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी, जो कि आपके लिए घाटे का सौदा है। कैसे तय करें बॉक्स का साइज। आपकी फैक्ट्री में बनने वाले बॉक्स के साइज आपके डिस्ट्रीब्यूटर और ग्राहकों की डिमांड पर निर्भर करेंगे। यदि आप किसी ई कॉमर्स कंपनी के लिए अपने बॉक्स बनाते हैं तो आपको छोटे साइज से लेकर बहुत बड़े साइज के बॉक्स बनाने की आवश्यकता होगी। साथ ही आप अलग अलग टाइप के बॉक्स के बारे में भी अधिक जानकारी जुटानी होगी। वर्तमान में बॉक्स 2, 3, 5, 7, 9 लेयर में बनाए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र की इंडस्ट्री अलग अलग प्रकार के गत्ते के बॉक्स इस्तेमाल करती है। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि अलग लेयर के बॉक्स बनाने के लिए आपको अलग अलग प्रकार की मशीनों की आवश्यकता होगी, इसलिए आप ऐसी मशीन खरीदें जिससे सभी प्रकार के लेयर वाले बॉक्स बनाए जा सकते हो, चाहे वो आपको महंगी ही मिले। कितनी जगह की आवश्यकता होगी और किस तरह की फैक्ट्री की सहायता से कितना कर पाएंगे उत्पादन। मशीनों की सहायता से स्थापित किए गए ऑटोमेटिक प्लांट के लिए आपको कम से कम 7000 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होगी और यदि आप इसे बड़े स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको लगभग 25000 स्क्वायर फीट के एरिया की आवश्यकता होगी। इस व्यवसाय के तहत लगाई जाने वाली फैक्ट्रीज को दो प्रकार, सेमी ऑटोमेटिक प्लांट और फुल ऑटोमेटिक प्लांट में डिवाइड किया जाता है। आप अपने प्लांट में लगने वाली मशीन के आधार पर एक दिन में 4 से 5 टन गत्ते का उत्पादन कर सकते हैं और यदि आपके पास फुल ऑटोमेटिक प्लांट है तो आप आसानी से दिन में 20 से 40 टन गत्ते निर्मित कर सकते हैं। किस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में बेच पाएंगे आपके द्वारा तैयार किए गए गत्ते के बॉक्स। वैसे तो लगभग सभी प्रकार के बिजनेस सेक्टर में इनका इस्तेमाल किया जाता है, परंतु मुख्यतः फार्मास्यूटिकल, सोप इंडस्ट्री, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक सेक्टर, शूज एंड फुटवेयर इंडस्ट्री में अधिक मात्रा में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनी से जुड़कर भी इस प्रकार के बॉक्स बेचे जा सकते हैं। क्या आपको पता है इस प्रकार तैयार किए गए 80% से अधिक बॉक्स वर्तमान में ई कॉमर्स कंपनीज के द्वारा इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। कौन सी मशीनें होंगी आवश्यक। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको 4 से 5 मशीनों की आवश्यकता होगी और इन्हें लगाने के लिए भी आपको बड़ा स्पेस चाहिए। फेस पेपर गत्ता मशीन, बोर्ड कटर मशीन, शीट पेस्टिंग मशीन, शीट प्रेसिंग मशीन, रोटरी कटिंग मशीन, सेंट्रिक प्लेट मशीन, स्टिचिंग मशीन। इस प्रकार की मशीनों को खरीदने के लिए आप किसी भी ऑफलाइन इंडस्ट्रीज डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन माध्यम खरीदने के लिए इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया जैसी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। कौन से कच्चे माल की होगी आवश्यकता। मुख्यतः आपको क्राफ्ट पेपर की जरूरत होगी। इसके अलावा येलो स्ट्रॉ बोर्ड, ग्लू, स्टिचिंग वायर और पैकिंग करने के लिए पैकेट जैसे कच्चे माल की जरूरत होगी। गत्ते के बॉक्स बनाने की पूरी प्रक्रिया। स्टेप 1, या तो आप मार्केट से सीधे क्राफ्ट पेपर खरीद लें या फिर लकड़ी की सहायता से क्राफ्ट मशीन की मदद लेकर लकड़ी का गूदा बनाकर क्राफ्ट मेकिंग मशीन की सहायता से भी क्राफ्ट बना सकते हैं। स्टेप 2, इस प्रकार तैयार क्राफ्ट को फेस पेपर मशीन में डालना होता है जहां इनकी साइज मोटी और कठोर हो जाती है। स्टेप 3, इस मोटे क्राफ्ट पेपर को बोर्ड कटर और शीट पेस्टिंग मशीन की सहायता से अलग अलग साइज के अनुसार काटा जाता है। स्टेप 4, इन काटे गए गत्तों की स्टिचिंग मशीन की सहायता से सिलाई की जाती है। इस प्रकार बनकर तैयार हुए गत्ते पैकिंग मशीन की सहायता से बड़े पैकेट में पैक करके मार्केट में बेचे जाते हैं।
कैसे करें मार्केटिंग। इस तरह के व्यवसाय में ऑनलाइन मार्केटिंग पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ऑनलाइन की तुलना में ये सस्ती भी होती है। साथ ही आप ई कॉमर्स वेबसाइट पर अपने सामान बेचने वाले रिटेल शॉप ओनर से भी ऑनलाइन ही संपर्क बना सकते हैं। इसके अलावा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लगने वाले ट्रेड फेयर और बिजनेस एक्सपो में भी हिस्सा लें और वहां पर अलग अलग व्यापारियों के द्वारा अपनाई जाने वाली मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर अच्छी तरह से फोकस कर आप भी उसी तरह की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।